गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे द किंगडम ऑफ फंगाई। तो किंगडम ऑफ फंगाई में हम लोग उसके बारे में डिटेल देखेंगे, उसका स्ट्रक्चर, उसके रिप्रोडक्शन के बारे में, उसके बॉडी स्ट्रक्चर के बारे में, हैबिटेट और न्यूट्रिशन के बारे में, मोर अबाउट जो भी उसके डिटेल हैं वो। इसके पहले के क्लास में हम लोगों ने पूरा कंप्लीट किया था किंगडम ऑफ प्रोटिस्टा। किंगडम ऑफ प्रोटिस्टा के बाद नेक्स्ट ही है हमारा किंगडम ऑफ फंगी। ठीक है, तो आज हमारा जो होगा वो टॉपिक किंगडम ऑफ फंगी। फंगी को हम लोग बहुत ज्यादा अवेयर हैं, बहुत सारे जगह पे हम लोग देखते हैं। जो आप एक मशरूम खाते हैं वो भी एक फंगी है। आपके ब्रेड के ऊपर एक स्ट्रक्चर कभी कभी बन जाता है वो भी एक फंगी है। या फिर कोई आटा वगैरह या मैदा वगैरह कुछ दिन के लिए हम लोग छोड़ देते हैं, उसके ऊपर भी एक स्ट्रक्चर बन जाता है, वो भी फंगी है। तो फंगी से बहुत ज्यादा हम लोग वेल नोन है, उसे हम अपनी आंखों से भी देखते हैं। और कुछ फंगी होते हैं जो यूनिसेलुलर है, जैसे ईस्ट वगैरह, वाइन वगैरह को बनाने में उसका यूज होता है, फर्मेंटेशन में यूज करते हैं उसका हम लोग बहुत ज्यादा ईस्ट को। तो ये सब जो फंगी है वो हमारे लाइफ से रिलेटेड है, हर जगह हमें मिलता है फंगी। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं जब फंगी की, तो फंगी का इंट्रोडक्शन अगर हम लोग देते हैं तो आपकी फंगी क्या है। ठीक, तो अगर देखें तो सबसे पहले आप जान जाओ कि फंगी एक रिलेशन है। किसका रिलेशन है? तो ये प्लांट और एनिमल के बीच का रिलेशन को इंट्रोड्यूस करता है। कैसे? अगर फंगी को हम लोग देखें तो फंगी जनरली मल्टी शेड्यूलर होता है। मल्टी शेड्यूलर एक क्लोरोफिलस यूकैरियोटिक सेल विथ सेल वॉल ऑर्गेनिज्म। ऐसे तो जनरली मल्टी शेड्यूलर ही फंगी होता है, लेकिन ईस्ट जो है वो एक एक्सेप्शन है। तो कुछ होते हैं जो यूनिसेलुलर होते हैं, जैसे ईस्ट। ठीक है, यहां पर हमने जो टर्म यूज किया है एक क्लोरोफिलस, मतलब इसमें नो क्लोरोफिल नहीं होगा, और साथ ही साथ इसमें सेल वॉल है। ठीक है, सॉरी सेल से लिखा गया है, यानी इसमें सेल वॉल भी है। अब ये अभी हमने इसके पहले इंट्रोड्यूस किया कि यह एक रिलेशन देता है प्लांट और एनिमल के बीच का। क्यों जरूरत पड़ी अलग किंगडम बनाने की आरएस विटेकर को? एनिमल में भी रह सकते थे या प्लांट में भी। क्यों? प्लांट में सेल वॉल होता है, एनिमल के सेल में सेल वॉल नहीं होता है, लेकिन इसके सेल में क्या है? सेल वॉल है। ओके, और अगर प्लांट में रखते हैं तो प्लांट के सेल में फोटोसिंथेसिस होना जरूरी है, यानी उसमें क्लोरोफिल होता है, लेकिन ये एक क्लोरोफिलस यानी क्लोरोफिल नहीं है। तो क्लोरोफिल अगर नहीं है यानी फोटोसिंथेसिस नहीं करेगा तो एनिमल का कैरेक्टर शो किया, और यहां पर सेल में सेल वॉल है तो प्लांट का कैरेक्टर शो किया। इसीलिए यह ऑर्गेनिज्म दूसरे तरह का हो गया, ना ही कंप्लीट प्लांट में रखा गया ना ही कंप्लीट एनिमल में रखा गया। तो ये हो गया किंगडम ऑफ फंगी। अब ये देखो कि जो इसका सेल वॉल होता है, सेल वॉल इज मेड अप ऑफ काइटीन। अब आप सोच रहे हो सर काइटीन क्या है? तो काइटीन इज द पॉलीमर ऑफ एन ग्लूकोसामाइन। फिर ये क्या है? देखिए बात समझिए कि काइटीन जो है वह काइटीन पॉलीमर ऑफ एन ग्लूकोसामाइन, यानी ग्लूकोज का डेरिवेटिव। एन ग्लूकोसामाइन का मतलब ग्लूकोज डेरिवेटिव। ग्लूकोज डेरिवेटिव का मतलब
ग्लूकोज और कुछ नाइट्रोज कंटेनिंग कंपाउंड जो है उसके साथ मिलकर के बने होते हैं, उसको कहते हैं ग्लूकोज डेरिवेटिव। और इसी का पॉलीमर होता है काइटिन। पॉलीमर का मतलब क्या, जैसे मोतियों का माला, बहुत सारे मोती आपस में जब गुथे होते हैं तो एक माला बन जाता है, तो वो जो मोती है वो क्या हुआ, पॉलीमर हुआ, और वो सारे मोती आपस में जुड़ गए तो माला उसको कह दिए हम लोग, दैट इज द पॉलीमर। यानी बहुत सारे जो है एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन जो है आपस में जुटेंगे तो वो क्या बना देंगे, काइटिन बना देंगे। तो एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन क्या है, तो ग्लूकोज और कुछ अदर कॉम्पोनेंट मिलकर के बने होते हैं, उसको कहते हैं एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन। और इसका सेल वॉल जो है वो जनरली काइटिन का बना होता है या फिर काइटिन और विथ सेलुलोज का। देखो ये जो फंगी है, फंगी में टोटल जो जेनरा है देयर आर 5100 जेनरा एंड 50,000 स्पेसीज इंक्लूड। यानी फंगी में सिर्फ 50,000 अलग अलग तरह के स्पेसीज हैं फंगी के सिर्फ। तो फंगी एक बहुत बड़ा एरिया कवर करता है, फंगी का मतलब एक छोटा सा नहीं है, इसीलिए इसको किंगडम में रखा गया है। और इस किंगडम के बहुत सारे क्या होंगे, तो बहुत सारे इसके डिवीजन होंगे, डिवीजन के बाद इसके क्या होंगे, तो जीनस स्पेसीज ऑर्डर ये सारे चीज को मिला करके। तो यानी इस तरह से टोटल अगर जेनरा हम लोग देखें तो 51 जेनरा है और 50,000 टोटल स्पेसीज, 50,000 से ज्यादा ही है कम नहीं है, तो मोर देन 50,000 स्पेसीज इंक्लूड होते हैं किसमें, तो फंगी में। फंगी को देखिए, अब अगर हम लोग बात करें इसके हैबिटेट की, तो फंगी कहाँ रहता है, ठीक है ना, फंगी का अगर हैबिटेट देखें तो इसके लिए एक टर्म यूज करते हैं यूबीक्यूटस या यूनिवर्सल बोल सकते हैं हम लोग फंगी के लिए। बैक्टीरिया में को भी हम लोग बोल सकते हैं बैक्टीरिया इज यूनिवर्सल, कहने का मतलब कि बैक्टीरिया हर जगह है, वाटर में, एयर में, फिर आपका सॉइल में, इवन एनिमल बॉडी में बैक्टीरिया है, तो हम लोग बैक्टीरिया को बोलते हैं यूनिवर्सल है, यानी यूबीक्यूटस है, यानी हर जगह है। यूबीक्यूटस का मतलब वह सर्वव्यापी, यूनिवर्सल का मतलब भी वही हुआ कि सभी जगह है, तो उसी तरह फंगी भी जो है वो सभी जगह है। तो फंगाई इज यूबीक्यूटस, यूबीक्यूटस का मतलब आप ध्यान रखेंगे सर्वव्यापी, सभी जगह है, सभी जगह यह व्याप्त करता है, सभी जगह प्रेजेंट होता है, दैट इज इसका मतलब क्या हुआ कि कहां होगा, तो यह सॉइल में भी होगा, सॉइल में होगा, एयर में भी होगा, वाटर में भी होगा एंड ऑल्सो ऑन फ्रूट एंड वेजिटेबल, या फिर अगर कहें फ्रूट एंड वेजिटेबल के साथ साथ और कहां होगा, तो कह सकते हैं कि जहां पे जनरली ऑलमोस्ट जहां पर ऑर्गेनिक मैटर है वहां पर फंगी हो सकता है, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट प्रेजेंट ऑन, प्रेजेंट ऑन ऑर्गेनिक मैटर, ऑर्गेनिक मैटर, तो जहां जहां ऑर्गेनिक मैटर है ऑलमोस्ट वहां वहां यह हो। अब हम लोग बात करते हैं फंगी के थोड़ा सा न्यूट्रिशन की। तो फंगी जो है वो अपना न्यूट्रिशन जो है वो कैसे पूरा करता है, देखिए जैसे ही आपको ये बात पता चल गई कि ये एक क्लोरोफिलस है, यानी क्लोरोफिल नहीं है इसमें, तो क्लोरोफिल नहीं है इसका मतलब है कि फोटोसिंथेसिस नहीं करेगा, ये तो बातें क्लियर हो गई कि जब क्लोरोफिल नहीं है तो यानी कि अब फोटोसिंथेसिस
नहीं करेगा, तो जब फोटोसिंथेसिस नहीं करेगा तो हमेशा क्या होगा, या तो यह होगा हेटरोट्रॉफिक। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन इसका क्या हो जाएगा, तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन इसका हेटरोट्रॉफिक इन नेचर का होगा यह। ठीक, अब हेटरोट्रॉफिक में भी यह एक होता है सैप्रोफिटिक, दूसरा होता है पैरासिटिक और तीसरा होता है माइकोरिजा। ये तीनों का हम लोग देखेंगे, ठीक ना। सैप्रोफिटिक में भी दो चीज है, एक होता है एक्टोपैरासाइट और दूसरा एंडोपैरासाइट। माइकोरिजा में भी दो चीज है, एक होगा एक्टो माइकोरिजा और दूसरा इंडो माइकोरिजा। ठीक, अगर बात करते हैं हम लोग सबसे पहले सैप्रोफिटिक की, सैप्रोफिटिक कंडीशन क्या है, तो जहां पर कोई भी ऑर्गेनिक कंपोनेंट डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक कंपोनेंट है वहां पर जब फंगाई जो है उसको डिकम्पोज करके और उससे ऑर्गेनिक मैटर को लेकर के अपने मोड ऑफ न्यूट्रिशन को पूरा करेगा, दैट इज सैप्रोफिटिक। They grow on dead and decaying organic, they grow on dead and decaying organic matter, they grow on dead and decaying organic मैटर। कहने का मतलब हुआ कि जो फंगाई जब डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से अपना न्यूट्रिशन पूरा कर ले उसको कहते हैं हम लोग सैप्रोफिटिक। तो जो फंगाई इस तरह से अपना मोड ऑफ न्यूट्रिशन पूरा करेगा तो वो सैप्रोफिटिक होगा। तो इसी को यानी हम लोग इस तरह से कह सकते हैं फंगी विच टेक्स फूड फ्रॉम डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। तो जब डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर होगा माना से जब यह अपना न्यूट्रिशन पूरा कर लिया तो वह हो जाएगा सैप्रोफिटिक। अब एक होता है फैकल्टेटिव पैरासाइट या फिर फैकल्टेटिव सैप्रोफिटिक। इसी में एक टर्म आ जाता है, पहले ये देखिए फैकल्टेटिव सैप्रोफिटिक यह एक अनदर क्लास का फंगी है, यानी ये अपना मोड ऑफ इस तरह के फंगी जो फैकल्टेटिव सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन दिखाते हैं तो वो क्या करते हैं, तो जनरली दीज फंगाई आर जनरली पैरासिटिक बट they can also grow on decaying matter। तो उसको हम लोग कहते हैं, यानी ऐसा फंगाई
जनरली वो पैरासाइट है, लेकिन जब उसे कोई होस्ट बॉडी नहीं मिलेगा और उस पीरियड में, कहने का मतलब हुआ मान लीजिए कि हम लोग जाते हैं मार्केट में कोई सामान लेने के लिए, हम आज सोचे कि चलो आज पिज्जा खाना है, अमूल का पिज्जा खाना है या फिर अमूल का दही लेना है, और मार्केट में गए तो मार्केट में अमूल का दही नहीं मिला, तो अमूल का नहीं मिला तो हमने सकस से काम चला लिया या मदर डेयरी से काम चला लिया, तो ये क्या हुआ, काम चला लिया। हमारा पहला डिजायर क्या था, हमारा पहला डिजायर था कि हम अमूल का लें। उसी तरह ये फंगी जो है वह जनरली क्या है, पैरासिटिक होते हैं, यानी पैरासाइट है, लेकिन अगर कोई होस्ट बॉडी नहीं मिला जिसपे ये ग्रो कर सके तो उस कंडीशन में ये क्या करते हैं, सैप्रोफिटिक नेचर के हो जाते हैं, यानी ऑर्गेनिक डेड और डिकेइंग जो मैटर मिलेगा उससे अपना मोड ऑफ न्यूट्रिशन को पूरा कर लेंगे। तो ऐसे फंगी को हम लोग कहते हैं फैकल्टेटिव सैप्रोफिटिक। क्लियर। इसके बाद में हम लोग देखेंगे आप थोड़ा सा पैरासाइट के बारे में। देखिए पैरासाइट का मतलब कि जो फंगी किसी होस्ट के ऊपर डिपेंड रहता है, यानी कि जो फंगी होस्ट से अपना न्यूट्रिशन पूरा करता है उसको कहते हैं हम लोग पैरासाइट, यानी पैरासाइट। अब इसके लिए दो टाइप हैं और इसमें भी आपको एक चीज हम बताएंगे फैकल्टेटिव पैरासाइट का मतलब क्या होगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले पैरासाइट का मतलब कहते हैं ना, जैसे प्रोटोजोअल पैरासाइट, फंगल पैरासाइट, ये टर्म यूज क्यों करते हैं, तो इसलिए कहते हैं कि जैसे दे ग्रो ऑन होस्ट बॉडी, यानी जो फंगाई को ग्रो करने के लिए होस्ट बॉडी की जरूरत होती है, और होस्ट बॉडी में दोनों हो सकते हैं, होस्ट बॉडी या तो ह्यूमन बॉडी भी हो सकता है और प्लांट बॉडी भी हो सकता है, तो किसी भी बॉडी में ये ग्रो कर सकते हैं। तो जो बॉडी यानी ह्यूमन बॉडी या प्लांट का बॉडी होस्ट हुआ और उसमें जाकर के ये ग्रो करेंगे तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम लोग कहते हैं पैरासाइट। पैरासाइट में हमने बोला दो तरह के पैरासाइट होते हैं, एक होता है एक्टोपैरासाइट और दूसरा होता है एंडोपैरासाइट। ठीक, अगर हम यहां पर देखें एक्टोपैरासाइट, जब एक्टोपैरासाइट की अगर हम लोग बात करते हैं, एक्टोपैरासाइट का मतलब हुआ कि जब ये बॉडी के सरफेस पे, यानी होस्ट, दे ग्रो ऑन होस्ट बॉडी सरफेस, यानी जो फंगाई दे ग्रो ऑन होस्ट बॉडी सरफेस, जो होस्ट के बॉडी के सरफेस पे ग्रो करता है उसको कहते हैं एक्टोपैरासाइट। फिर उसके बाद में आइए देखिए एंडोपैरासाइट। एंडोपैरासाइट का मतलब हुआ दे ग्रो इनसाइड टिश्यू ऑफ होस्ट बॉडी, तो जब टिश्यू के अंदर जाकर के यह ग्रो करेगा तो उसको हम लोग कहेंगे एंडोपैरासाइट। क्लियर। अब इसके बाद में देखिए एक टर्म हम बोले थे कि फैकल्टेटिव पैरासाइट। फैकल्टेटिव पैरासाइट का मतलब क्या हुआ, फैकल्टेटिव पैरासाइट का मतलब जनरली दे आर सैप्रोफिटिक, ये सैप्रोफाइट्स होंगे,
जो ऐसे फंगाई जो सेप्रोफाइट्स हैं, जनरली नॉर्मल कंडीशन में सेप्रोफाइट होंगे, यानी डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पे ग्रो करेंगे, बट दे कैन ऑल्सो ग्रो ऑन, लेकिन ये ग्रो कर सकता है कहां, बट दे कैन ऑल्सो ग्रो ऑन होस्ट, लेकिन ये होस्ट पे भी ग्रो कर सकता है, तो इसको कहेंगे हम लोग फैकल्टेटिव पैरासाइट। अब एक हमारा लास्ट में ये बचा है माइक्रोबीजा, देखो माइक्रोबीजा एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन है, सिम्बायोटिक टर्म का मतलब यानी जिसमें दोनों को फायदा होना है, ठीक है। आज मेरे घर में गैस खत्म हो गया और आपके घर में मान लो कि कोई अनाज नहीं है, चावल नहीं है, और दोनों को चावल खाने का मन है, तो हम दोनों क्या करेंगे, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से आप राइस लेके आ जाओ, मैं अपना गैस दे दूंगा, मिलके पका लेंगे, दोनों को एक चावल खा लेंगे, हो गया। तो उसी तरह यहां पर सिम्बायोटिक एसोसिएशन दिखाता है कौन, तो हायर प्लांट के रूट और साथ ही साथ फंगी, कैसा रिलेशन, क्या रिलेशन, वो हम लोग देखेंगे थोड़ा सा। देखिए यहां पर ये क्या कहता है माइक्रोबीजा में, कि जब यानी माइक्रोबीजा का मतलब क्या हुआ, पहले डेफिनेशन ही देख लीजिए, इट इज सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन, इट इज सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन प्लांट एंड फंगी। तो प्लांट और फंगाई में सिम्बायोटिक एसोसिएशन हो गया, तो उसको कह दिया हम लोग माइक्रोबीजा। अब उसके बाद में देखो कि सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता कैसे है। अभी हमने कहा ना कि आप राइस लेके आ जाओ, मैं गैस दे दूंगा, दोनों मिला के चावल पका के दोनों को ही खा लेंगे, तो यानी कि दोनों कुछ ना कुछ करेगा। यहां पर प्लांट रूट प्रोवाइड, प्लांट रूट प्रोवाइड फूड टू फंगी एंड फंगी हेल्प टू एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल, वाटर और मिनरल के एब्जॉर्प्शन में फंगी जो है वह हेल्प करेगा। क्यों, फंगी जो है वह डायरेक्ट एब्जॉर्ब करेगा वाटर को और मिनरल्स को, मिनरल्स में भी सबसे ज्यादा नाइट्रोजन का और फास्फोरस का और पोटेशियम का, तो इन सब चीजों का वह एब्जॉर्प्शन करके और डायरेक्ट प्लांट को प्रोवाइड करेगा, प्लांट के रूट को, प्लांट जो है वो प्लांट का रूट इन चीजों को वाटर को और मिनरल को लेकर के लीफ को देगा, लीफ जो है इन चीजों की मदद से क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस करके खाना बनाएगा, बना बना खाना जो है वो रूट को जब मिलेगा तो रूट उसको शेयर करेगा किसके साथ, फंगी के साथ, दोनों का फायदा होता है। इसके साथ साथ एंड फंगी ऑल्सो हेल्प टू प्रोटेक्शन फ्रॉम अदर फंगी। तो जो फंगी एसोसिएशन कर चुका है, जैसे हमारा और आपका एसोसिएशन हुआ, राइस लेके आए और हमने गैस दिया, तो एक मित्रता बनी, दोनों के बीच में फ्रेंडशिप हुआ। अब तीसरा कोई अगर आकर के कोशिश करेगा चावल छीनने की, तो दोनों को ही फाइट करेंगे कि नहीं चावल लेके नहीं जा सकते, दोनों के म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से वो बना है। तो जब एक बार एसोसिएशन हो गया प्लांट के रूट से और फंगी के बीच में,
तो कोई तीसरा फंगी अगर आके इन्फेक्शन करने की कोशिश करेगा तो ये फंगी जो है वह उसे रोकेगा, तो ये भी एक फायदा होता है इसको। अब इसमें एक दो चीज हमने बांटा है कि एक्टोमाइकोरिजा और एंडोमाइकोरिजा, ये दो अलग अलग टर्म क्या कह रहे हैं, ठीक है। तो देखिए एक्टोमाइकोरिजा का मतलब हुआ कि जब फंगी जो है वह रूट के सरफेस पे ग्रो करेगा, यानी रूट के सरफेस पे रह के एसोसिएशन करेगा। फंगी फॉर्म एसोसिएशन विथ रूट ऑन सरफेस, तो इस तरह के एसोसिएशन को हम लोग कहेंगे एक्टोमाइकोरिजा। और उसी तरह जब एक हो गया एंडो माइकोरिजा, एंडो माइकोरिजा में फंगी फॉर्म एसोसिएशन इनसाइड रूट, तो जब रूट के अंदर में इस तरह का एसोसिएशन होगा तो उसको कहेंगे हम लोग एंडोमाइकोरिजा। तो इस तरह से सैप्रोफिटिक पैरासिटिक और माइकोरिजा के रूप में इस तरह से जो है वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फंगी जो है वो अपना पूरा करता है। इसके बाद में हम लोग देखेंगे कि फंगी जो है उसके बॉडी का और साथ ही साथ उसके बॉडी में थैलस का फॉर्मेशन होता है, और एक टर्म और आता है जिसे हम लोग कहते हैं वेसाइकल एर्गस्कुलर माइकोरिजा, वो भी एक टर्म देखेंगे। इसमें चीज और जान जाइए कि जैसे इसका एग्जांपल है पाइनस रूट, और ये जो इंडोमाइकोरिजा होता है यही मोस्ट कॉमन है, क्योंकि 95% जो एसोसिएशन होता है माइकोरिजा का वो एंडोमाइकोरिजा में होता है। अब एक टर्म आता है पूछ देता है कभी कभी वैन के बारे में, तो फंगल माइकोरिजा खास ये मतलब इंडोमाइकोरिजा में ही, तो फंगल माइकोरिजा फॉर वेसाइकल इन द सेल कॉल्ड वेसिकुलर एर्गस्कुलर माइकोरिजा। ये टर्म पूछ देता है कभी कभी आज एमसीक्यू में कुछ रिलेशन डालते, तो आप इतना याद रखो कि वैन का मतलब क्या है। तो वैन एंडोमाइकोरिजा का ही पार्ट है कि जब फंगी जो है वह किसी सेल के अंदर जाकर के और क्या कर देगा, एक वेसाइकल के फॉर्म में यानी वेसाइकल के जैसा कुछ स्ट्रक्चर जो है वो सेल के अंदर ग्रो करा देगा, और उसी को हम लोग कहते हैं, उस तरह के माइकोरिजा को ही हम लोग कहते हैं तो वेसिकुलर एर्गस्कुलर माइकोरिजा, ठीक है ना। उसके बाद में देखो फंगल बॉडी को हम लोग, फंगल का जो बॉडी होता है वो जनरली वह क्या होगा तो फिलामेंटस फॉर्म में रहेगा और या फिर यूनिसेलुलर रहेगा। यूनिसेलुलर ऐसे अभी हमने क्या बोला था शुरू में ही, जैसे यूनिसेलुलर फंगी का सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल आपको याद रखना है कौन, तो ईस्ट का। और ईस्ट का काम क्या करता है सबसे ज्यादा, इसका हम लोग यूज किस में करते हैं, तो
यूजिंग अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, ईस्ट का बहुत रोल है, तो इसका हम लोग यूज करते हैं अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में, यूजिंग अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में। तो फंगाई के अगर हम लोग बॉडी की बात करें, फंगल बॉडी, अगर फंगाई के हम लोग बॉडी की बात करते हैं तो फंगल बॉडी जो है वह किस तरह से या किस तरह का होता है, तो देखो फंगाई का जो बॉडी है वह एक थैलस के रूप में होता है। थैलस का मतलब क्या हुआ, तो थैलस का मतलब हुआ कि जब एक मल्टी सेलुलर और नॉन मूविंग टिश्यू है जो मूव नहीं कर रहा है, और वैसे ऑर्गन को या नॉन मूविंग पार्ट को हम लोग थैलस करते हैं। तो जो थैलस ऑफ फंगाई है थैलस ऑफ फंगाई इज यूनिसेलुलर और फिलामेंटस। तो फिलामेंटस होगा तो यानी कि यह मल्टीसेलुलर फॉर्म है, और या फिर यूनिसेलुलर भी हो सकता है। तो यूनिसेलुलर का मतलब हो गया कि जो जैसे ईस्ट में, और जो थैलस है तो थैलस ऑफ फंगाई जो है वह कंप्लीट जो है वह एज ए रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के रूप में भी काम करने लगता है, तो एज ए रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर बना लेता है। कौन, ये जो थैलस है वो थैलस है क्या, अगर कंफ्यूजन हो रहा है या आप नहीं समझ पा रहे हैं कि थैलस क्या है, तो थैलस एक ऐसा, थैलस का मतलब समझो कि एक एंटायर बॉडी ऑफ मल्टी सेलुलर नॉन मूविंग, तो थैलस का मतलब समझो एक एंटायर बॉडी ऑफ नॉन मूविंग मल्टी सेलुलर यानी ऑर्गेनिज्म की बॉडी की, यानी मान लीजिए कि एक रूप में समझ लीजिए कि हम लोग फंगाई है, और हमारा ये बॉडी का हाथ, ये पेट, ये पैर, ये सारा चीज नॉन मूविंग फॉर्म में है, और चूंकि जब इतने सारे ऑर्गन आ गए तो ये मल्टी सेलुलर हो गया, इतने बॉडी के पार्ट आ गए तो ये मल्टी सेलुलर और नॉन मूविंग पार्ट है, और इसी बॉडी के स्ट्रक्चर को हम लोग थैलस बोल दिए। तो ये थैलस या तो यूनिसेलुलर भी हो सकता है या फिलामेंटस मतलब मल्टी सेलुलर फॉर्म में हो सकता है, और यही थैलस जो है वह रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर भी बना लेता है। तो जब रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर बनाएगा तो ये क्या करेगा, स्ट्रक्चर बना करके और नए नए फंगाई को फिर जिन डेवलप कराएगा, नए नए फंगाई का ग्रोथ कराएगा। तो इस चीज को हम इस तरह से लिखेंगे, थैलस एंटायर बॉडी या थैलस एंटायर बॉडी और थैलस कन्वर्टेड इनटू रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। देखिए जनरली फंगाई में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, अभी रिप्रोडक्शन का पार्ट अभी आगे आएगा तो बताएंगे। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए उसमें रिप्रोडक्टिव
स्ट्रक्चर का बनना जरूरी होता है। तो स्ट्रक्चर जो है वो किसका बनेगा, तो यही पे अभी जो थैलस था तो उसी थैलस का कुछ पार्ट जो होगा या फिर पूरा का पूरा थैलस वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, तो एज ए रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के रूप में कन्वर्ट होगा। अब अगर हम लोग इसके बॉडी की बात करें कि इसका बॉडी माइक्रोलिजा भी देख लिए आप लोग, अब अगर हम लोग इसके बॉडी की बात करें तो देखो इसी थैलस फॉर्म के बॉडी को हम लोग फंगाई में क्या कहते हैं, तो माइसेलियम कह देते हैं। और इस माइसेलियम में बहुत सारे छोटे छोटे क्या होते हैं, वो हाइफी होते हैं। तो थैलस यानी ये कह सकते हैं, देखो थैलस और माइसेलियम दो अलग अलग चीजें नहीं है। थैलस हम लोग उस चीज का नाम दिए, जैसे आपका नाम स्कूल में कुछ और है, घर पे लिखने में कौन अलग होगा, और जब एग्जाम देने जाते हैं तो आप ही का नाम क्या हो जाता है, रोल नंबर में कन्वर्ट हो जाता है। तो पर्सन आप वही हो, उसी तरह फंगाई का बॉडी एक ही है और उसी को उस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर वाले पार्ट को हम लोग कह देते हैं थैलस, उसके फीचर्स के हिसाब से कि जो नॉन मूविंग होगा, या फिर कह दिए कि जो मल्टी सेलुलर इस तरह का नॉन मूविंग पार्ट जो होगा इस तरह के ब्रांच में बटा रहेगा उसको कह देंगे थैलस, और फंगाई के इसी थैलस पार्ट को हम लोग माइसेलियम कहते हैं। और इसमें अलग अलग बहुत सारे ब्रांच निकले होते हैं और उसी ब्रांच को हम लोग कहते हैं हाइफी, ठीक है। और ये जो हाइफी होता है वो सेप्टेट और एसेप्टेट, ये दो अलग अलग टर्म है, थोड़ा सा इसको हम लोग ब्रांच और अनब्रांच जब डायग्राम बताएंगे तो आपको बहुत अच्छे से क्लियरली समझ में आ जाएगा कि इस तरह का क्या है। तो आप इस तरह से देखिए, फिलामेंटस फिलामेंटस फंगी फंगी है ब्रांच स्ट्रक्चर कॉल्ड हाइफी, क्या कहेंगे इसको, हाइफी कहेंगे। एंड हाइफी कॉन्स्टिट्यूट टू फॉर हाइफी कॉन्स्टिट्यूट टू फॉर माइसेलियम। तो माइसेलियम का मतलब आप याद रखो, फंगल बॉडी इज ऑल्सो नोन एज माइसेलियम। अब ये जो हाइफी है, माइसेलियम का जो हाइफी है, हाइफी ऑफ माइसेलियम या थैलस हाइफी ऑफ थैलस दोनों एक ही बात हो गई। हम क्या कह रहे हैं, हाइफी ऑफ माइसेलियम, हाइफी जो होता है वो माइसेलियम में होता है या फिर थैलस में होता है। कहने का मतलब इस तरह से फंगाई का कुछ स्ट्रक्चर जो है वो आपको अभी बहुत सारा डिटेल स्ट्रक्चर आपको हम एक बनाएंगे, ये समझो कि फंगाई है। ये जो इसका पार्ट हुआ, ये पूरा का पूरा पार्ट हुआ इसको कहेंगे माइसेलियम, और ये एक जो पार्ट हुआ इसको कहेंगे हाइफी, ठीक है, एक पार्ट को। और ये पूरा का पूरा जो हुआ वो कहलाया माइसेलियम। और जब इस माइसेलियम हाइफी में एक क्रॉस वॉल होगा, ठीक है, इस तरह से क्रॉस वॉल होगा और एक वॉल में इस तरह से एक सिंगल न्यूक्लियस होगा, यानी इसी को कहेंगे हम लोग सेप्टा। तो हाइफी जो होता है वह दोनों तरह का हो सकता है, कुछ फंगाई के हाइफी जो होते हैं वह विथ सेप्टा होते हैं और कुछ फंगाई के हाइफी जो होते हैं वह
विदाउट सेप्टा होते हैं, यानी कुछ में सेप्टा होगा और कुछ में सेप्टा नहीं होगा। जिसमें सेप्टा नहीं होगा वो मान लीजिए ये सेप्टा है, तो अगर इस सेप्टा को हटा दें तो आप देखो कैसा स्ट्रक्चर, यानी बहुत सारे न्यूक्लियस हो रहा है एक हाइफी में। सेप्टा को हटा दिए तो ये सेप्टा का मतलब क्या है, क्रॉस वॉल, यानी एक तरह का वॉल आ रहा है, दो न्यूक्लियस के बीच में एक वॉल आ गया, तो ये सिंगल हो जाएगा, सिंगल न्यूक्लियस होगा एक में। और वॉल अगर नहीं है तो ये कैसा हो जाएगा, तो इसी को कह देंगे हम लोग मल्टी न्यूक्लिएट। कब, जब नो सेप्टा, जब सेप्टा नहीं होगा। और अगर सेप्टा आ गया, इस तरह से सेप्टा हो गया, तो सेप्टा अगर है तो ये क्या हो जाएगा, तो एक में सिंगल न्यूक्लियस हो गया। तो ये या तो एक में सिंगल न्यूक्लियस हो सकता है या फिर मल्टी न्यूक्लियस हो सकता है, अलग अलग टाइप के फंगाई पर, फंगाई को हम डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो उसके हिसाब से देखेंगे कि इस तरह से और ये इस तरह से क्या हो गया, फंगाई का एक बॉडी। अलग अलग स्ट्रक्चर में किसी भी तरह से बना सकते हैं आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है। हम इसको इस तरह से क्रॉस करके भी दिखा सकते हैं, दिस इज क्रॉस वॉल हो गया, ठीक। तो आप इस तरह से ये कर सकते हैं, ठीक है। इसके आगे ही हम लोगों को देखना है, एक स्ट्रक्चर बनाएंगे पर टेल, और उसमें सेप्टा वगैरह आपको फिर से हम दिखा देंगे, ठीक है ना, ओके।